पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है, उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है, कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब देखिएगा, आपको श्री शिव पुराण से जानकारी देते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा है, यह अष्टंगी आठ भुजा वाली, और पिता ये काल रूपी ब्रह्म है। हाय हाय, देखिएगा श्री शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। मुद्रक संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इसके 98 पृष्ठ से हम शुरू करेंगे। रुद्र संहिता श्री संक्षिप्त शिव पुराण 98 पृष्ठ पे अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा यहाँ इस प्रकार बोले। ये पांचवा अध्याय समाप्त हुआ, यहाँ छठा प्रारंभ होता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि ब्रह्मन, देव शिरोमणे नारद के विषय को कह रहे हैं, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित के काम की कामना से ये बहुत उत्तम बात पूछी है, जिसमें समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखाई देते थे न चंद्रमा, अनान्य ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था, न दिन होता था न रात, अग्नि पृथ्वी आयु और जल की भी सत्ता नहीं थी, उस समय कौन था? उस समय ये तत् सद ब्रह्म, उस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था, वो तत्ब्रह्म, ये पूर्ण परमात्मा ही शेष था। अब 100 पृष्ठ पे जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान पूर्ण, ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ, तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए एक मूर्ति की कल्पना की, यानी अपना एक आकार बनाया। वो आकार में आ गया तो कौन बन गया? जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, परम ब्रह्म, उसकी मूर्ति। भगवान सदाशिव है, यानी वो काल फिर निराकार तो रहता ही है, ये शिव रूप में प्रकट होता है इनके आगे, किसी के आगे ब्रह्मा रूप में। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्विच्छान अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से, अपने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की,
जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। यानी ये क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी के, शिव ने, सदा शिव ने, इस काल ने, काल रूपी ब्रह्म ने अपने शरीर से एक स्त्री की उत्पत्ति की, और वह कौन थी? स्वेच्छानुसार अपने विग्रह से यानी शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी और विकार रहित बताया गया है, वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी ब्रह्मा विष्णु महेश की माता नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के आठ भुजाएं हैं। हो गया क्लियर कंसेप्ट? ये दुर्गा थी जो इस काल के शरीर से निकली थी। ब्रह्मा जी को कबीर जी ने कुछ ज्ञान दिया था क्या, इसने वो कुछ वो ज्ञान कुछ अपनी खिचड़ी मिलाकर ये कहा कि सदाशिव ने आप एक स्त्री अपने शरीर से बाहर निकाली। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। हो गया क्लियर? दुर्गा है ब्रह्मा विष्णु महेश की माता त्रिदेव जननी, ये लिखा है वो त्रिदेव जननी प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी, तीनों देवों की माता त्रिदेव। एकाग्नि होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। 101 पृष्ठ पे रुद्र संहिता। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, यू काल है, काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ, ये नाथ नहीं है, शक्ति के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान है जो सबसे ऊपर विराजमान है। वह प्रिया और प्रियतम रूप यानी पति पत्नी रूप में शक्ति और शिव यानी दुर्गा और ये काल, वे प्रिया प्रियतम रूप शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप है उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परमानंद रूपिणी है मुने शिव और शिवा ने यानी इस काल ने और दुर्गा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, यानी उन जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर स्वेच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, यानी उन्होंने पति पत्नी व्यवहार किया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ। अब 101 पृष्ठ पे तदंतर शिव ने कहा, वत्स, वो लड़का उत्पन्न हुआ ना बेटा, काल बोला बेटा व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले यही वाणी बोली थी। अब मैं तुमसे कहूं चिताई त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई, माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 600 वर्ष पहले परमात्मा ने बोला था ये ज्ञान। इन नकली गुरुओं ने, संतों ने, नकली ऋषियों ने, महर्षियों ने परमेश्वर के इस ज्ञान को ऊपर नहीं आन दिया। अपनी अज्ञान सोच को केवल संस्कृत के ज्ञाता होने के कारण ऊपर रखा
और भोली जनता यही मार खा गई कि कबीर जी संस्कृत नहीं बोलते, ये संस्कृत नहीं पढ़े इसलिए कबीर जी का ज्ञान गलत हो सकता है, और हमारे ब्राह्मण गुरु ऋषि ये नकली ये संस्कृत जानते हैं इसलिए इन्होंने वेदों और गीता और पुराणों को ठीक समझा होगा, समझा है इसलिए कबीर जी का ज्ञान गलत है। आज वो परमात्मा ने पर्दाफाश कर दिया इन सब का। अब हमारे सदग्रंथ हमारे पास हैं जिनको हम सत्य मानते थे, उनमें वही लिखा जो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले हमारे को ये अनमोल वचन दिए थे। अब ये तो उस काल रूपी ब्रह्म से और दुर्गा इस अष्टंगी से विष्णु जी की उत्पत्ति सिद्ध होगी विष्णु पुराण में या शिव पुराण में। अब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति देखो, रुद्र संहिता का ये छठा अध्याय समाप्त होगा हो गया, इसमें ये विष्णु जी का इसका नाम दर्ज दिया उस लड़के का, तेरा नाम विष्णु होगा। शिव ने कहा वत्स व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब ये सातवां अध्याय रुद्र संहिता का पृष्ठ 103 पे ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से नारद को, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर श्याम सदाशिव ने जैसे विष्णु उत्पन्न किया पूर्वत प्रयत्न करके पति पत्नी विहार करके, दाहिने अंग से मुझे उत्पन्न किया मुने उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव की नाभि कमल में डाल दिया और लीलापूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल के पुत्र के रूप में मुझ हिरणा गर्भ का जन्म हुआ। अब यहां ये अनुवादकर्ता विचलित हो गया कि भाई शिव से शिव की उत्पत्ति जो लिखी भी है संस्कृत भाषा में तो कैसे बताऊं ये जची नहीं बात। लेकिन कहते हैं चोर चुराई तुमड़ी वो गड्ढे पानी माह है, वो गड्ढे वा ऊपर आवे नो सच्चाई छनी नाय। इन्होंने या तुमड़ी गड्ढी तो बतेरी पानी में, यानी छुपाने की चेष्टा बहुत की सच्चाई को, लेकिन नहीं छुप सकी। अब देखिए संक्षिप्त शिवपुराण 110 पृष्ठ पे नौवां अध्याय लास्ट में, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन तीन देवताओं में गुण है और परंतु शिव गुणातीत माने गए। हमने ये देखना कि ब्रह्मा विष्णु और रुद्र से अलग है वो शिव, वो इनका बाप जो है न्यारा है इनका पिता। आगे फिर देखिए 24 पृष्ठ पर आते हैं हम, 24 पृष्ठ पे इसी पवित्र शिव पुराण के 24 पृष्ठ पे 25 से हम लेंगे। ये देखो एक बार ब्रह्मा और विष्णु का झगड़ा हो गया। ब्रह्मा कहता है मैं तेरा बाप, विष्णु कहता है मैं तेरा बाप, तू मेरे से उत्पन्न हुआ, वो कहता तू मेरे से उत्पन्न हुआ। तो इनका आपस में लड़ाई होगी तो लड़ाई बंद कराने के लिए इस काल ने इनके बीच में एक बहुत तेजो में खम्भा सा खड़ा कर दिया प्रकाश में, ये लड़ना छोड़ कर उसके ऊपर नीचे उसके एंड को देखने के लिए काम लागे। फिर वो काल स्वयं प्रकट हो गया शिव रूप में। अब शिव रूप में प्रकट होकर उनको ज्ञान देने लग गया, समझान लग गया कि तुम भगवान नहीं हो, तुमने अपने आप को परमात्मा मान लिया, तुम परमात्मा नहीं हो। यहां देखिए विद्वेश्वर संहिता 25 पृष्ठ पे ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा प्रभो इस काल से सृष्टि आदि पांच कर्तव्यों के लक्षण क्या हैं ये हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, यो काल बोला मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें अब उनके विषय में बता रहा हूँ। ब्रह्मा और अच्युत सृष्टि पालन और संहार त्रोभा और अनुग्रह ये पांच ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं। संसार की रचना का जो
आरंभ है उसको सर्ग या सृष्टि कहते हैं 26 पे। अब ये काल क्या बोल रहा है, पुत्रो, काल कह रहा ब्रह्मा विष्णु को, बेटो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से, सृष्टि और सतीथि नामक दो कृत प्राप्त किए हैं, ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर में दो अन्य उत्तम कृत संहार और त्रिभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। अब देखो तैयार हो गए तुम दोनों को, ब्रह्मा और विष्णु को, कौन सा, सृष्टि और सतीथि, ये दो कृत यानी दो विभाग तुम्हें दिए, और रुद्र और महेश्वर यानी ये शिव से न्यारे हैं, ब्रह्मा विष्णु रुद्र और महेश्वर। और ये बोल रहा है ये काल सदा शिव, ये दो अन्य उत्तम कृत रुद्र और महेश्वर को मैंने दिए हैं, अन्य उत्तम कृत सहार और त्रोभाव मुझसे प्राप्त, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य दूसरा कोई नहीं पा सकता, रुद्र और महेश्वर अपने कर्म को भूले नहीं, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। वे युकाल कह रहे हैं इनका बाप है कि वे रूप वेश कृत वाहन आसन और आयुध यानी हथियारों में आदि में मेरे समान ही हैं, यानी विश्व जो है ये महेश और रुद्र ये कहते हैं ये मेरे ही स्वरूप में, इनका वाहन भी बैल है नंदी, हाथ में त्रिशूल भी मेरे जैसी वेशभूषा है दोनों की, तो वो अलग है। तो चौथा पांचवा रुद्र भी अलग हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी अलग हुए, तो ये सिद्ध करना चाहता था ये दास कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति दुर्गा और काल से हुई, और निरंजन ये ज्योति निरंजन भी कहलाता है, ये काल ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता और दुर्गा इनकी माता है, यही परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले बताया था। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए, ये कहाँ लिखा फिर देखिएगा, क्योंकि ये कैसा जटिल ज्ञान बना दिया ना ज्ञानिया ने, सत्य को ना समझ कर असत्य का डंडोरा पीट दिया। अब ये अभी तो आपको प्रमाणित सदग्रंथ दिखाए जो हमारा पवित्र हिंदू धर्म जिनको मान्य मानता है, और अब देखो कबीर सागर में फिर देखो जो परमेश्वर ने बताया कबीर जी ने, ये कबीर सागर है संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई, और इसका कबीर सागर ज्ञान सागर प्रथम खंड कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग मुंबई। इतने इसके ज्ञान सागर और ज्ञान बोध में ये देखिएगा, ज्ञान सागर ज्ञान बोध बोध सागर ज्ञान बोध और बोध सागर में प्रश्न नंबर 21 पर, धर्मदास ये जग बौराना कोई ना जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा जग से कही एक राम नियारा, ये राम है यहाँ पर। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई, ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई मूर्ख सुने तो गम नहीं पाई, माँ अष्टंगी पिता निरंजन और ये जम दारुण वंशन अंदन, पहले की निरंजन राई पीछे से माया उपजाई, कामदेव धर्मराय सताए देवी को तुरंत दरखाए, पेट से देवी करी पुकारा हे साहेब मेरा पुकारी हे साहेब मेरा करो बारी, धर्मराय को हिकमत कीना नख रेखा से भग कर लीना,
दुर्गा के स्त्री इंद्री नहीं थी, इसने अपने नाखूनों से बनाया। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही तबासा। तीन पुत्र अष्टंगी जाए और ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तीन देव विस्तार चलाए, इनमें ये जगदोखा खाए। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। परमात्मा को कैसे जाने, काल सबको भ्रमित किए हुए है। तीन लोक अपने सुत जिन्हा, सुन निरंजन बासा लीना। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु से उभेद नहीं जाण्या। तीन देव सो उसको जहाँ निरंजन का वो पार नहीं पावे। ये ब्रह्मा विष्णु महेश की भी इस निरंजन की पूजा करने लगे हैं, इसका भी ये पार नहीं पा सके। अलख निरंजन ये काल बड़ा बटपारा, तीन लोक के जीव कीन आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। और इस काल के तीन के सुत हैं तीनों देवा, तीन माने उनके दुर्गा और इस काल के पुत्र हैं तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश। और अंदर जीव करते हैं सेवा, अंधे लोग इन्हीं की पूजा करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की। तीनों देव और अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। तीन गुणों का ये विस्तारा, धर्मदास में कहो पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में, ये भूल पड़ो संसार। कह कबीर निज नाम बिना, कैसे उतरे पार। अब ये सभी सदग्रंथ आदरणीय हैं, और इन्हीं सब सदग्रंथों में ये विद्यमान है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता ये काल और दुर्गा हैं। अब आपको ये सिद्ध किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब ये फिर से आपको दिखाना पड़ेगा कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। क्योंकि अब आपको पवित्र गीता जी में ये सृष्टि रचना बताएंगे, दिखाएंगे। पवित्र गीता जी में भी लिखा है ये काल और दुर्गा, दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। अभी आपने शिव पुराण में भी सुना पढ़ा, देवी पुराण में भी इसको प्रकृति लिखा है, और देवी पुराण में बहुत अच्छा विस्तार से विवरण है। अब देखिएगा देवी भागवत महापुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, प्रकाशक में मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, इसके 123 पृष्ठ पे। पुण्यात्मा ये वो सदग्रंथ हैं जिनके हम किसी एक पृष्ठ को पढ़ने से मोक्ष मानते थे। अब इन सदग्रंथों को हम फिर पढ़ेंगे और इससे अब मोक्ष की धारा हमारी अलग से निकलेगी। 123 पृष्ठ, तीसरा स्कंद, श्रीमद् देवी भागवत, संक्षिप्त देवी भागवत। विष्णु जी कह रहे हैं अपनी माता को, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम्हें से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव यानी जन्म, त्रोभाव मान मृत्यु हुआ करता है। हमारा जन्म मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित हो, जग जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति शब्द आपने शिव पुराण में भी देखा, अब इस दुर्गा पुराण में भी देख लो, याद रखना। अभी आपको पवित्र गीता जी में दिखाएंगे श्रेष्ठ ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति दुर्गा और काल से। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्हीं से प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाले वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। मैं तमोगुण हूँ, तमोगुणी लीला करने वाला। नीचे देखिए, क्लियर हो गया। इस संसार की सृष्टि सतीथी और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर, नियमानुसार कार्य में तत्व रहते हैं। नियमानुसार यानी वर्क डन ही दे सकते हैं हम आपको।
अन्य प्राणियों को जो दिशा जिसका भाग है वही दे सकते हैं, हम इससे कम बत्ती नहीं कर सकते। अब इसमें ये क्लियर होगा देवी भागवत में कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब ये देवी भागवत संस्कृत सहित, देवी भागवत दुर्गा पुराण संस्कृत सहित, इसमें भी हम देखेंगे और बहुत ही क्लियर है कंसेप्ट। ये देखिएगा, ये श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित प्रथम भाग, अथ देवी भागवतम सभाष्टीकम सहमात्यम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई, 4 मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग बंबई। अब देखिए इसके तीसरे सकंद में, अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद प्रारंभते। ये 11वें पृष्ठ पे और तृतीय सकंद के अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 8 में। अब ये 7 मंत्र श्लोक समाप्त हुआ, 8वां यहां प्रारंभ होता है। हे माता, शंकर भगवान बोल रहे हैं, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण। युक्त किए हैं, क्यों युक्त किए हैं? अब देखो संस्कृत देखेंगे हम, ये 8वां श्लोक प्रारंभ हुआ, यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित है, किस प्रकार मैं बना दिया तमोगुण। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाला ब्रह्मा रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों बना दिया, क्यों उत्पन्न किया? और सुविहित है किमु सतोगुण हरि, और विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों बनाया? यदि आप इसे दयालु हो, तुम कहती हो बेटा मैं तुम्हारे पर बड़ी दया करती हूँ, तुम मुझे बड़े प्यारे लगते हो, तो जो कहे फिर तुम आपने ये इसे बूंदे काम में क्यों ला दिए, हम हमारे अंदर हम इसे गुण से क्यों युक्त कर दिए, हम ऐसे त्रिगुण एक क्यों बना दिए, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। इससे सिद्ध हो गया रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। ये भी सिद्ध हुआ कि दुर्गा को प्रकृति भी बोलते, और ये भी सिद्ध हुआ कि इस काल को ब्रह्म भी कहते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में ये काल स्वयं कह रहा है कि अर्जुन मैं काल हूं और सबको खाने के लिए अब आया हूं, अब परिवर्त हुआ हूं। श्री कृष्ण जी तो अर्जुन के साथ पहले रहा करते, रिश्तेदार थे उनके, तो वो नहीं बोल सकते ये बात कि मैं अब परिवर्त हुआ हूं, अब आया हूं। ये काल था, श्री कृष्ण जी काल नहीं थे, और वो काल इसमें प्रेतवत प्रवेश कर गया। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत देव, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 14 के अध्याय नंबर 14 का श्लोक नंबर 3, 4, 5 ये देखिएगा। ये बंदी छोड़, चतुर्दशो अध्याय 14वां अध्याय, ये भगवान बोला, काल कहता है कि ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा, जिसको जानकर सब मुनिजन संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। कह कि सा ज्ञान और बता दूंगा, जिसने ये समझ लिया वो यहाँ से हटके भाग जाएंगे, सतलोक में पीछा छुटवा जाएंगे। अब देखिएगा अध्याय नंबर 14 और अध्याय श्लोक नंबर 3, ये काल बोल रहा है कि हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति
सब प्राणियों की, भूतों की, मैंने प्राणियों की योनि है अर्थात गर्भाधान स्थान, और मैं उस योनियों में, योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। ततः यानी उसके संयोग से जड़ चेतन के सब प्राणियों की, भूतों की उत्पत्ति होती है। चौथे में कमाल कर दिया। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सभी योनियों में यानी शरीरों में जितने प्राणी, मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी हैं, उत्पन्न होते हैं, प्रकृति ब्रह्म, महत ब्रह्म प्रकृति दुर्गा उनकी, उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है, और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। पांचवें में कमाल हो गया। हे अर्जुन, सतगुण, रजगुण और तमगुण ये प्रकृति से उत्पन्न, सतगुण विष्णु, रजगुण ब्रह्मा, तमगुण शिव जी, ये दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं, यानी ये कर्मानुसार यहाँ फंसा कर रखते हैं। अब यहाँ इस काल ने तो पल्ला झाड़ दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश इस प्राणी को उलझाए बैठे हैं। अब परमात्मा कहते हैं कि नहीं, अकेले ब्रह्मा विष्णु महेश का दोष नहीं है। क्या बताते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए, इन पांचों मिल परपंच बनाया, वाणी हमरी लइए। ब्रह्मा विष्णु महेश और माया ये दुर्गा, धर्मराया ये काल, इन पांचों मिल परपंच बनाया, इन पांचवा ने मिलकर तुम्हें यहाँ फंसा रखा है, और ये हमारी वाणी, हमारे वचन को तुम गहराई से समझ लेना। अपुण्यात्मा पवित्र शिव पुराण, पवित्र देवी पुराण और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी ने परमेश्वर कबीर जी की 600 वर्ष पहले लिखी अमृतवाणी को सेकंड किया, समर्थन दिया कि सचमुच कबीर जी ने जो बताया था आज हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। अब आपको वेदों में दिखाते हैं सृष्टि रचना। अब आपको अथर्ववेद कांड नंबर 4 के अनुवाक नंबर 1 में 7 मंत्र हैं, और 7ों मंत्रों में सृष्टि रचना कति क्लियर है, कंप्लीट है, संक्षेप्त में। ये देखिएगा अथर्ववेद अथर्ववेद भाषा भाष्य, भाष्यकार हैं डॉक्टर पद्मभूषण डॉक्टर श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, संपादक हैं वेदाचार्य डॉक्टर धर्मेंद्र शास्त्री एमए पीएचडी, संस्कृत विभाग अध्यक्ष श्री गुरु नानक देव खालसा महाविद्यालय दिल्ली, विश्वविद्यालय दिल्ली में, मानव उत्थान संकल्प संस्थान पंजीकृत, 46/5 कम्युनिटी सेंटर ईस्ट ऑफ क्लास ऑफ कैलाश नई दिल्ली। अब ये यहाँ से तो, और मुद्रक है कम्पूटाडा सर्विसेज नई दिल्ली से। हम इसमें सिर्फ संस्कृत देखेंगे कि वो संस्कृत क्या बोलती है। चतुर्थ कांड अनुवाक नंबर 1 सप्तम प्रपाठक, चतुर्थ कांड और प्रथम सूक्त अथ प्रथम अनुवाक, और इसमें 7 मंत्र हैं। इसमें क्या लिखा है? ब्रह्म जगानम प्रथमम पुरस्तात् विसीमित अथ विसीमित सुरोच वैन आव सबुदिन्य उपमा अस्य विष्टा सत च योनिम असत च
वी वे। अब देखो इन्होंने क्या अनुवाद किया है, हम सब ये संस्कृत दिखाएंगे आपको। इन्होंने क्या अनुवाद किया है कि पूर्व काल से भी प्रथम प्रगट हुए ब्रह्म को उत्तम प्रकाशित मर्यादाओं से ज्ञानी ने देखा, यानी परमात्मा साकार तो हो गया। आगे देखो, वही ज्ञानी इसके आकाश संचारी विशेष रीति से स्थित और उपमा देने योग्य सूर्य आदि को देखकर सत और असत के उत्पत्ति स्थान को भी विशद करता है। अब पुण्यात्माओं, ये सत ये असत ये ध्यान रखना। अब असत तो नाशवान और सत अविनाशी। परमात्मा के ऊपर के जो लोक हैं, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अकय लोक, अनामी लोक अर्थात अनामी, ये अकय कौन से अनामी, ये तो हैं सत यानी अविनाशी। और नीचे के ब्रह्म और परब्रह्म के ये हैं नाशवान। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16-17 में तीन परमात्मा स्पष्ट किए हैं, एक सर्पुरुष एक अक्षर पुरुष। इनको फिर ये बताया कि इन सर्पुरुष और अक्षर पुरुष के लोक में सभी प्राणियों के शरीर नाशवान हैं, इन ये भी नाशवान हैं और जीवात्मा अमर ही होती है। फिर 17वें श्लोक में कहा गीता जी के 15वें अध्याय में कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, वो वास्तव श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और ही है। जो परमात्मा इति उदारते ये लोक तर्यम आविश्य विभर्ति अवैश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है। अब तीनों का नर नरवर्ण यहाँ देखिएगा। अब देखा इस तीसरे मंत्र में कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 और मंत्र नंबर 3 में आप देखिए, जो विद्वान इसका बंधु होता है वह है सब देवों के जन्मों को जानता है। जो विद्वान इसका बंधु होता है वह देवों के जन्मों को जानता है। देखो ब्रह्मण है ब्रह्म उद्भारम, ये संस्कृत है। यहां लिखा ब्रह्म ब्रह्मण है उद्भार है, मध्य है नीचे ऊंचे रुचे। अब देखो नीचे ऊंचे, नीचे तो और बीच में, नीचे तो ये काल काल के और अक्षर पुरुष के और ऊंचे उस परमात्मा की। अभी ना क्या लिखा है कि ब्रह्म से ब्रह्म प्रकट हुआ। अरे नाडियो, ब्रह्मण है ब्रह्म उद्भार है, ब्रह्मण माने सचिदानंद घन ब्रह्म से, और ब्रह्म इस काल रूपी ब्रह्म सर्वब्रह्म की उत्पत्ति हुई है। इन्होंने ब्रह्मण है ब्रह्म उद्भार है, ये संस्कृत है, ब्रह्म ब्रह्मण है उद्भार है, ब्रह्म ब्रह्म सचिदानंद घन से उत्पन्न हुआ है, ब्रह्मण ब्रह्म उद्भार है, ब्रह्म से ब्रह्म प्रकट हुआ है। यह बात हुई, ब्रह्म तो ब्रह्म प्रकट हुआ है, अकल के चोर। अब ब्रह्म ने स्पष्ट लिखा है गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में, ब्रह्मण का अर्थ है सचिदानंद घन ब्रह्म, यानी उस परम अक्षर ब्रह्म से इस ब्रह्म की उत्पत्ति हुई है। और वो पूर्ण परमात्मा सचिदानंद घन ही चौथे में, वही वह ही धूलोक का, धूलोक माने ऊपर के लोकों का, उस सत सत स्थानों का, और वही पृथ्वी का सत नियम से ठहराने वाला है। बड़े धूलोक और पृथ्वी लोक को घर के समान स्थिर किया है। वह बड़ा देव प्रकट होता हुआ, वह बड़ा देव सबसे पहला बड़ा भगवान यानी पूर्ण परमात्मा बड़ा देव, ये देखो वह बड़ा देव प्रकट होता हुआ धूलोक और पृथ्वी के निवास स्थान को और अंतरिक्ष लोक को
विस्तृत रूप से देकर सतीत करता है। अब पांचवे में उस जगत का सम्राट बृहस्पति देव है। बृहस्पति का अर्थ होता सबसे सुप्रीम परमात्मा। वह पहले जन्म से भी पूर्व काल में चारों ओर व्याप्त है। अब जो ज्योति से शुद्ध दिन उत्पन्न हुआ उससे प्रकाशित होने वाली ज्ञानी विशेष प्रकार से निवास करे। अब जरा भी चलो दोगे लीद कर गए। अब इसमें स्पष्ट है, आगे दिखाएंगे आपको। अब छठे में ज्ञानी निश्चय से इस प्राचीन देव का वह महान धाम प्राप्त करता है। उस प्राचीन देव का वह महान धाम प्राप्त करता है, यानी जो सत साधक है। इस प्रकार बहुतों के साथ वह ज्ञानी उत्पन्न हुआ था, परंतु जिस समय पूर्व दिशा का उद्द्वार खुला तब उसमें उनमें से प्रत्येक सोता ही रह गया। आगे देखिए कि एक बांधेंगे। अब ये सातवें में कमाल कर दिया। सातवें में क्या लिखा है, ये अथर्वणम अथर्वाणम पितरम देवबंधु बृहस्पतिम नमस आव च गच्छात् त्वम विश्वेशाम जनिता यथा स कबीर देवो न दभायत स्वधावान सबधावान। ये कबीर देव है, यानी ये सातवां लास्ट मंत्र है इस अनुवाद का। इसमें स्पष्ट कर दिया, इब ये दास सुनावेगा आपको। इस दास के द्वारा अनुवादित सृष्टि रचना के अंदर ये इस पुस्तक ज्ञान गंगा में भी और अन्य सभी पुस्तकों में ये ज्ञान सृष्टि रचना में पहले ही आपको अनुवाद करके दिया हुआ है। इसमें देखो अब पहले से शुरू करते हैं। ये है सृष्टि रचना में, पवित्र अथर्ववेद में सृष्टि रचना का प्रमाण कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 का मंत्र नंबर 1 ब्रह्म जगानम प्रथमम पुरस्तात् वी सीमित सो विरोचो विरोचो वेन आव सबुधिन्या उपमा अस्य विष्टा सत चय योनिम असत चय वीव। ये इसका संधि छेद है। ब्रह्म जगानम प्रथमम पुरस्तात् वी सीमित रुचे वेन आव से बुद्धिन्या उपमा अस्य विष्टा सत चयोनि असत च विव। प्रथमम प्राचीन अर्थात सनातन ब्रह्म माने परमात्मा ने। अब ब्रह्म के साथ जो अन्य उपमा लगती है तो वो पूर्ण परमात्मा के संकेत होता है। जय माने प्रगट होकर अपनी सूझबूझ से पुरस्तात् शिखर में अर्थात सतलोक आदि को सुरुचे सब इच्छा से बड़े चाव से सौ प्रकाशित विसीमित सीमा रहित अर्थात विशाल सीमाओं वाले भिन्न 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 लोक लोकों को वेने माने जुलाहे ने ताने अर्थात कपड़े की तरह बनकर आओ माने सुरक्षित किया है। तथा वह पूर्ण ब्रह्म ही सर्व रचना करता है, इसलिए उस मूल मालिक ने मूल सतान सतलोक की रचना की। अस्य माने इसलिए इसी, इसलिए उसी मूल मालिक ने मूल सतान सतलोक की रचना की है। इसके सदृश उपमा अर्थात मिलते जुलते सत ये अक्षर पुरुष और अर्थात परब्रह्म के लोक जो कुछ सताई हैं तथा असत स्थर पुरुष के अस्थाई लोक आदि वी व आवास निवास आवास स्थान भिन्न भिन्न स्थापित किए विष्ठा। अब दूसरे में क्या लिखा है, अयम पित्रा राष्ट्री एतु अग्रे प्रथमाय प्रथममाय
जनु से भुवनेष्ठा तस्मा एतत् सुरुचम हव आरम हवरम अहम धर्मम श्रृणान्तु प्रथमाय धास्वे। अयम माने इसी, पित्रा माने जगत पिता परमेश्वर ने, इस अग्रे माने सर्वोत्तम, प्रथमाय माने सबसे पहले, पहली माया प्रानंदनी यानी राष्ट्री, राष्ट्री माने राजेश्वरी शक्ति अर्थात पराशक्ति से के आकर्षण, जिससे आकर्षण शक्ति, जिसे आकर्षण शक्ति भी कहते हैं। जनों से माने उत्पन्न करके, भुवनेष्ठा देखो ना, पराशक्ति पूर्ण पटराणी सतलोक की कहो निशानी, ये राष्ट्रीय माने वो पराशक्ति जो परमेश्वर कबीर जी के पास वो परम शक्ति है, उसके द्वारा आकर्षण शक्ति से उत्पन्न करके भुवनेष्ठा लोकों को स्थापन किया, स्थापना की। उसी परमेश्वर ने बड़े चाव के साथ सविच्छा से इस प्रथम माये, प्रथम उत्पत्ति की, प्रथम माये प्रथम उत्पत्ति की, प्रथम माये की अर्थात पराशक्ति के द्वारा एक दूसरे के वियोग को रोकने अर्थात आकर्षण शक्ति से गुरुत्व आकर्षण को परमात्मा ने आदेश दिया, सदा रहो उस कभी समाप्त न होने वाले धर्म माने स्वभाव से धारण करके दासवे ताने अर्थात कपड़े की तरह बुनकर रोके हुए हैं। तीसरे ने यह जय प्रदजे विद्वानस्य बंधु विश्वा देवानाम जनीमा विभक्ति ब्रह्मे ब्रह्मणे उद्भार मध्यात नीचे ऊंचे सवधा अभी प्रतस्थो। सर्वप्रथम देवताओं व ब्रह्मांडों की उत्पत्ति के ज्ञान को जिज्ञासु भक्त का, विद्वानस्य जो बंधु यानी वास्तविक साथी अर्थात पूर्ण परमात्मा है, अपने निज सेवक को, अपने जनीमा अपने द्वारा सर्जन किए हुए को विभक्ति स्वयं ही ठीक ठीक विस्तार पूर्वक बताता है। अपने द्वारा रची सृष्टि को वो स्वयं ही बताता है कि ब्रह्म ने यानी पूर्ण परमात्मा ने मध्यात अपने मध्य से अर्थात सबद शक्ति से ब्रह्म है यानी ब्रह्म क्षर पुरुष अर्थात काल को उजभार माने उत्पन्न करके विश्व सारे संसार को अर्थात सब लोकों को ऊंचे ऊपर सतलोक आदि और नीचे परब्रह्म व ब्रह्म के सर्व ब्रह्मांड सबधा अपनी धारण करने वाली अभी आकर्षण शक्ति से प्रतस्थौ दोनों को अच्छी प्रकार स्थापित किया। कति कंसेप्ट क्लियर। उस परमात्मा ने सबसे पहले अपने वहाँ एक शक्ति उत्पन्न की, उस से सब ब्रह्मांडों को ठहराया और फिर उस परमात्मपूर्ण परमात्मा आप ही आकर अपने निज साथी को विशेष भगत को बताता है वो अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही ठीक ठीक वर्णन करता है कि पूर्ण परमात्मा ने अपने मध्य से मध्यात अपने अंदर से अपनी सबद शक्ति से इस ब्रह्म काल की उत्पत्ति की। अब चौथे में देखो उसी सर्वशक्तिमान परमात्मा ने निसंधे दिव मन ऊपर के चारों दिवलोक जैसे सतलोक अलकलोक अगमलोक और अनामी अर्थात अखय लोक अर्थात दिव गुणयुक्त लोकों को रित सथा माने सत्य सथिर अर्थात अजर अमर रूप से अविनाशी रूप से स्थिर किए। स उसी ने के समान पृथ्वी माने नीचे के पृथ्वी वाले सर्वलोक जैसे परब्रह्म के सात्संग और ब्रह्म काल के 21 ब्रह्मंड मही पृथ्वी तत्व से अक्षम सुरक्षा के साथ असक भायत ठहराया। रोदसी माने आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व दोनों से ऊपर और नीचे के ब्रह्मंडों को जैसे आकाश एक सूक्ष्म तत्व है, आकाश का गुण शब्द है, पूर्ण परमात्मा ने ऊपर के लोकों को शब्द रूप रचा जो तेज पुंज के बनाए हैं और नीचे के ब्रह्म परब्रह्म और ब्रह्म के परब्रह्म अक्षर पुरुष के सात्संग ब्रह्मंड
तथा ब्रह्म अक्षर पुरुष के 21 ब्रह्मंडों को पृथ्वी तत्वों से अस्थाई रचा। महान पूर्ण परमात्मा ने पृथ्वीम पृथ्वी वाले वी माने भिन्न भिन्न धाम माने लोक, ये ब्रैकेट में संस्कृत है, और सदम माने आवास स्थान, मही माने पृथ्वी तत्व से, रज माने प्रत्येक ब्रह्मांड के छोटे छोटे लोक की, जाते माने रचना करके शिथिर किया, अस्क भायत माने स्थिर किया, डटे रोके। पांचवें में लिखा है कि उसी मूल मालिक से अभ्यग्रम सर्वप्रथम स्थान पर आष्ट्रे अष्टंगी अर्थात दुर्गा प्रकृति देवी जनु से माने उत्पन्न हुई। सैबुदिन्यात आष्ट्रे जनु से, आष्ट्रे माने अष्टंगी आठ भुजा वाली दुर्गा की उत्पत्ति हुई। अष्ट माने अष्टंगी माया दुर्गा अर्थात प्रकृति देवी की उत्पन्न हुई, क्योंकि नीचे के परब्रह्म और ब्रह्म के लोकों का प्रथम स्थान सतलोक है, यह तीसरा धाम भी कहा कहलाता है। तस्य इस दुर्गा का भी मालिक यानी उसका भी पिता सम्राट राजा दिराज बृहस्पति सबसे बड़ा पति यानी परमेश्वर वह जगत गुरु देवता परमेश्वर है। इसका भी पिता यानी मालिक, इस दुर्गा का भी मालिक वो परमात्मा ही है, जिससे सबका वियोग हुआ है, जो सबसे विमुख होकर आए हैं वहाँ से बिछड़े हैं। अतः इसके बाद ज्योतिष माने ज्योत निरंजन अर्थात काल के शुक्र माने बीज शक्ति से जनिष्ठ दुर्गा के उदर से उत्पन्न होकर विप्रा भक्त आत्माएं अलग से धूमंत माने मनुष्य लोक और स्वर्ग लोक में ज्योति निरंजन के आदेश से दुर्गा ने कहा वसंतु यानी स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक पर निवास करो, निवास करने लगी। कति स्पष्ट कर रखा है। आगे छठे में देखो निसंदेह वह पूर्ण परमेश्वर तत्ब्रह्म ही इस भक्तात्मा जो पूर्ण परमेश्वर की भक्ति विधिवत करता है को वापिस मह माने उस बड़े उस सर्वशक्तिमान देवस्य माने परमेश्वर के पूर्वस्य माने पहले वाले धाम माने लोक में यानी सतलोक में भेज देता है, हिनौती भेज देता है। पहले वाले विशेष चाहे हुए इस परमेश्वर को जिगदे यानी सृष्टि उत्पत्ति के ज्ञान को जानकर बहुत आनंद के साथ आधा सोता हुआ विधिवत इस प्रकार सच्ची आत्मा से सतुति करता है। अब इसका क्या अर्थ है कि जब ये जीव आत्मा उस परमात्मा जब आता है सच्चा ज्ञान देता है अपने यथार्थ ज्ञान उसको समझ कर वो जीव आत्मा जब सतलोक में पहुंच जाता है और वहां जाके इसकी आंख खुल है अगर सचमुच हम तन्यों फंसे थे काल के जाल में, कहते वहां जाकर फिर आराम से कहते हैं किस प्रकार सतुति करता है, कैसे गुणगान करता है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा है अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आण और जल के बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताण। चादर ताण के सोना कति निश्चिंत हो जाना, कोई चिंता ना रहे किसी चीज की। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आन यानी कबीर परमेश्वर आए छुड़ानी में गरीबदास जी को की आत्मा को यानी ऊपर सतलोक में ले गए और वहां जाके परमात्मा कहते हैं गरीबदास जी कहते हैं हम तो भाई सुते चादर ताण के सो गए, हमने कोई चिंता नहीं रही, हम निश्चिंत हो गए। और यही प्रमाण वेद बता रहा है, यही प्रमाण वेद बता रहे हैं कि जो व्यक्ति साधक उस परमात्मा द्वारा दिए गए सत्य ज्ञान को सत आधार पर सत भक्ति करके सतलोक चला जाता है वह उस विशेष चाहे हुए जिसकी इच्छा थी उसको शुरू से उस परमात्मा को प्राप्त करके और सृष्टि रचना के ज्ञान को जानकर आधा सोता हुआ
बड़ी आनंद के साथ आधा सोता हुआ और सच्ची आत्मा से सतुति करता है, यानी सुत्ते चादर ताणे, यानी मस्ती में खोल ले कुआ मीच ले, यानी इतनी खुशी होगी। अब सातवें में कमाल किया कि वो कौन है, वो परमात्मा जो देव बंधु है, सबका साथी है, जिसने उस ऊपर के लोक रचे, नीचे के लोक रचे, दुर्गा की उत्पत्ति की, काल ज्योति निरंजन की उत्पत्ति की, वो है कौन? इस सातवें मंत्र में स्पष्ट कर दिया, वो कबीर देव है। ये देखो, जो ये अथर्वाणम पितरम, यानी जगत अथर्वाणम माने निश्चल, अचल, अविनाशी है जो, पितरम माने सबका पिता, देव बंधु सभी पुण्यात्माओं का साथी, बृहस्पतिम जो सबसे बड़ा भगवान, नमसा यानी जो विधिवत साधना करने वाले को सुरक्षा के साथ, गच्छात माने वहाँ जो चले गए सतलोक में उनको ले जाने वाला, तो माने विश्वेशाम जनिता, यथास है कबीर देव है, न दभायत सर्व सवधावान, ये कबीर देव, ये कबीर देव, वो कबीर देव है, वो कबीर प्रभु है, वो कबीर साहब है जो सारी सृष्टि का रचनहार, सबका सच्चा साथी, और वही परमपिता, वो अविनाशी, वो काल की तरह धोखा न देने वाला, वो कबीर परमात्मा है।